हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप। देश में चल रही ड्रोन क्रांति के बारे में तो आपने सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज उड़ाने वाले ही नहीं बल्कि ड्रोन उड़ाने वाले भी पायलट कहलाते हैं। ड्रोन उड़ाना केवल मौज मस्ती का जरिया ही नहीं बल्कि इससे आप अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। दरअसल देश में इन दिनों खेती किसानी में ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। खाद से लेकर कीटनाशक छिड़काव में ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। नतीजतन देश में प्रशिक्षित ड्रोन पायलट की मांग भी तेजी से बढ़ी है। वहीं आने वाले दिनों में ड्रोन पायलटों की मांग और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में विशेष रूप से गांव में रहने वाले युवा ड्रोन पायलट बनकर अपनी कमाई का अच्छा जरिया बना सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप भारत के किस राज्य के किस जिले के रहने वाले हैं? अब सबसे पहले सवाल उठता है कि क्या कोई भी ड्रोन उड़ा सकता है? तो जवाब है नहीं। दरअसल ड्रोन उड़ाने के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जो नागरिक उड्डयन महानिदेशक यानी DGCA द्वारा अधिकृत होता है। यह लाइसेंस ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट पाने वाले व्यक्ति को ही मिलता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट कैसे हासिल किया जा सकता है और ड्रोन पायलट बनने के लिए कितनी फीस देनी पड़ेगी, और सबसे अंत में हम जानेंगे कि एक ड्रोन पायलट कितनी कमाई कर सकता है। ड्रोन पायलट बनने के लिए आपको नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से ट्रेनिंग लेनी होगी। ट्रेनिंग के लिए आपको संस्था द्वारा निर्धारित फीस जमा करके दाखिला लेना होगा। ड्रोन पायलट बनने के लिए लाइसेंस तभी आवंटित किया जाता है जब व्यक्ति 5 दिनों में 35 घंटे का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करता है। ट्रेनिंग के बाद अभ्यर्थी को मेडिकल एग्जामिनेशन में शामिल होना होता है। इन चरणों में सफल उम्मीदवारों को संस्थान की ओर से सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। ट्रेनिंग मिलने के बाद उम्मीदवार इस क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। भारत सरकार की ओर से ड्रोन उड़ाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट डिजिटल स्काई लॉन्च की गई है। इस वेबसाइट से ड्रोन उड़ाने की ऑनलाइन परमिशन और लाइसेंस हासिल किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के लिए आवेदक को 100 रुपए देने पड़ते हैं। ड्रोन पायलट बनने के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना आवश्यक है। अगर आयु की बात करें तो 18 से 65 साल के बीच कोई भी व्यक्ति नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से मान्यता प्राप्त किसी भी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेकर ड्रोन पायलट बन सकता है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा अप्रूव्ड किसी भी इंस्टीट्यूट में ड्रोन पायलट ट्रेनिंग की फीस ज्यादातर 65,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक होती है। हालांकि कुछ राज्य सरकारों जैसे हरियाणा सरकार फ्री में भी ट्रेनिंग देती है। फीस में ट्रेनिंग के लिए आवश्यक सभी किट और ट्रेनिंग मटेरियल भी शामिल होता है। भारत में IIT से लेकर निजी संस्थान तक ड्रोन पायलट बनने के लिए आवश्यक ट्रेनिंग देते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि संस्थान DGCA से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग देने वाले संस्थानों में IIT गुवाहाटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रमुख हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के 6 केंद्र हैं, जिनमें से 2 मध्य प्रदेश और 1-1 हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में हैं। इसके अलावा बॉम्बे फ्लाइंग क्लब मुंबई, तेलंगाना स्टेट एविएशन अकेडमी हैदराबाद, एविएशन फ्लाइंग क्लब अलीगढ़, फ्लाई टेक एविएशन अकेडमी सिकंदराबाद, पायनियर फ्लाइंग अकेडमी अलीगढ़, रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग अकेडमी बारामती, एल्केमिस्ट एविएशन जमशेदपुर, फोर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च गुरुग्राम और माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर भी ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग देते हैं। प्रशिक्षित और DGCA द्वारा जारी किए जाने वाले पायलट लाइसेंस हासिल करने के बाद
उम्मीदवार रियल एस्टेट, मनोरंजन, सिनेमा, कृषि, सर्वेक्षण, निगरानी आदि के कार्यों में लगी सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों में नौकरी कर सकते हैं। इसके अलावा कार्य अनुभव होने के बाद अपना खुद का कार्य शुरू किया जा सकता है या कंसल्टेंसी सेवा प्रदान की जा सकती है। शुरुआती दिनों में 25,000 से 30,000 रुपए महीने की नौकरी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। अनुभव हासिल होने के बाद आय असीमित हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। आप किस करियर से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।